गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जी आज है मेरी मॉर्निंग की रूटीन कि अभी मैं मॉर्निंग में क्या क्या करूँगी। तो काफ़ी दिनों से मैंने मॉर्निंग रूटीन कोई नहीं बनाई, तो अभी उठ के बैठ जाती हूँ। तो आज मैंने धोने हैं कपड़े, इसलिए थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। जो जो काम करूँगी सब आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। तो अभी तो बिस्तर में ही हूँ, देख ले ज़रा। जानी चले गए हैं ड्यूटी पे, ये ना समझना ये जानी लेटे हैं। ये देखे जरा, जानी चले गए हैं ड्यूटी पे। तो मैं फिर बाद में सो गई थी क्योंकि गैस नहीं आ रहा था और नाश्ता भी नहीं उनको बना के दिया, बस वो सालन लेके चले गए ड्यूटी पे। तो अभी उठती हूँ, थोड़ा कमरा नीट करती हूँ, फिर बाहर निकलते हैं, गैस देखने आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर जो जो करती हूँ सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज की मॉर्निंग रूटीन आपने जरूर बताना है कि आपको कैसी लगी और किन किन इलाकों में गैस आ रहा है, किन किन में नहीं आ रहा, वो भी ज़रूर मुझे बताएं। क्योंकि काफ़ी दिनों के मैंने, मतलब के क्रिसमस से पहले मैंने कपड़े धोए हैं और उसके बाद मैंने कपड़े नहीं धोए, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और आज मैंने करनी है आपसे बहुत ज़रूरी बातें, कुछ पिछले साल की और कुछ न्यू ईयर की। तो चलें जी, इसी तरह हम बने रहें और देखते रहें आज का मेरा व्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी निकालने लगी हूँ मशीन और कपड़े देख ले ज़रा, ये 2 हफ्ते के कपड़े हैं। आई तो मेरी ना बस हो ही कपड़े धोने धोने आई। और गैस अभी आपको दिखाती हूँ आ रहा है या नहीं। तो जी ये आ रहा है हमारा गैस, दो दो दाने बस, ना ये तो कुछ पके थे ना कोई कुछ। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। फिर रात को मदर इन लोग देखे दाल ला के मुझे दे गई थी कि जब गैस आएगा तो जल्दी से बना लेना, जानी बोले थे चने की दाल फ्राई बना लेना। और सुबह को भी पेड़े वगैरह बनाए थे मदर इन लोग सुबह नाश्ते के लिए ना, जब रोटी लेके जाते हैं तो फिर सारे उठा के फिर रख गए। तो चलें जी अभी जो भी करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अभी छोटा कमरा नीट कर लेती हूँ, बड़े वाला तो मैं करके आ गई हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं, फ़ायदा क्या इसका। अभी ये वाला कमरा मैं जो नीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो जी कमरा मैंने नीट कर लिया है, ये कोना इसको नीचे दबाना था। तो चलें जी ये देखें कमरा नीट हो गया है। और इस कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं होता, फिर मदर इन लोगों ने ये LB से पर्दा ला के ना ये लगाया था, क्योंकि ये दरवाज़ा जो है ना ऐसे होता ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी दीवार डैमेज थी ना अभी कलर करवाने से पहले, ये पूरी सही करवाई है लेकिन दरवाज़ा अभी तक नहीं बंद होता। ये स्वेटर वगैरह पड़े हैं गर्म शोल देखें। तो चलें जी अभी बाहर निकलती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो आपको पता है मशीन मैंने लगा ली है, मशीन भी अभी दिखाती हूँ। ये देखे रात के चावल पड़े थे थोड़े से और उसके ऊपर आलू मटर का सालन डाल दिया मैंने। और जी यही अभी खाऊंगी, देवर को मैंने बोला है, उसने बेचारे ने दूध भी निकाल के रखा है। और ये देखे दाल भी पड़ी है, ये बनानी थी, अभी गैस ही नहीं है। अभी वो जा रहा है बाहर अपने लिए पराठा लेने के लिए और मशीन मैंने लगा ली है, कपड़े धुल रहे हैं। आज बस कपड़े की धुलाई होगी फिर। और सुबह सुबह को कौन कौन चावल खा लेता है? मैं तो वैसे खा लेती हूँ, पंजाबी हूँ, पंजाब में सुबह सुबह मेरे तो बहन भाई सारे अम्मी, खासतौर पर मेरी अम्मी जो है ना वो ज़्यादा नहार मुँह जो है उठते ही बस चावलों का पतीला होना चाहिए कि सारा टब्बर चावल ही खाने। कपड़े देखे बहुत ही ज़्यादा है और कमरे को मैं नीट करके निकली थी बाहर। ये तो दुपट्टा पड़ा है मेरा, मशीन पानी वगैरह डलवा रही थी देवर से कुछ दिए। और देखिए कमरा नीट ही है, मैंने सोचा था कपड़े धो के गर्म पानी करके चंगा आज मजा आएगा, नहावांगी काम करांगी, इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ, नहीं तो मैं देर से ही उठती हूँ, मुझे सर्दी बड़ी लगती है जी। आ जाए जी जिसको चावल का नाश्ता करना है, पता नहीं कब ये मुसीबत हमारी खत्म होगी, कब गर्मियाँ आएंगी और गैस हमारा सही होगा। साथ साथ चावलों को भी देख रही हूँ और ख़ास तौर पर आपने नहमाया के लिए दुआ करनी है कि खुदा नहमाया को सेहत तंदरुस्ती दे। उसको ना 2-3 दिन से काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब थी, छोटे वाले की, जॉर्डन के भाई की, शिनाया से जो छोटा है ना, सबसे छोटा ही है वो, उसके लिए आपने प्रे करनी है खुदा उसको मुकम्मल सेहत तंदरुस्ती दे पूरी फैमिली को। ओ लो जी होर मसला खड़ा, उसको पराठा भी नहीं मिला, अब क्या करें। मनु अगो ले आया, चले जब मैं चावल खाती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स इतने कपड़े मैंने बांध के अभी रख दिए हैं क्योंकि
12 बज गए हैं और अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना। भाभी ने ऊपर आग चलाई है तो मैंने सोचा क्यों ना फिर जल्दी से खाना भी बना लिया जाए। और इतने कपड़े मैंने धो लिए हैं, ये देखें, और एक बाल्टी ये पड़ी है, कुछ मशीन के अंदर है। तो अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर जा के फिर खाना बनाते हैं और साथ साथ कपड़े भी धोते हैं। देखें जी, भाभी ने अभी चाय बनाई थी और मैंने भी रख दिया बस मसाला ऊपर फ्राई होने के लिए। मैंने बोला चलो खाना तो साथ बनाए, कपड़े तो फिर भी धुल जाएंगे, खाने के बगैर गुजारा नहीं है भाई, खाएंगे तो चले फिरेंगे। और आग जलाना भी बड़ा ही मुश्किल है, हूँ पंजाबन लेकिन आग नहीं जलानी आती क्योंकि हमारे घर पे गैस था। ये रोशनियों के शहर में गैस चला गया है, अब क्या करें। जानी ने बोला था फ्राई दाल बनानी, अभी मैंने तो यही सोचा कि एक साथ ही सब कुछ डालती हूँ प्रेशर कुकर के अंदर, मसाला फ्राई करके और बना लेती हूँ, बस वो नीचे चला जाएगा पानी, इसके अंदर धुआं ही ना चले जाए प्लेट। चलो जी अभी मैं दिखाती हूँ नहमाया को भी आपको। तो ये रहा जी नहमाया, आपने नहमाया के लिए प्रे करनी है। ये देखिए इसका कनोला भी लगा हुआ है। खुदा नहमाया को सेहत तंदुरुस्ती दे। तो चलें जी, ये भी अभी उठे थे और मानो नंगा बैठा है, इसको भाई सर्दी नहीं लगती, इसको इग्नोर करना। हाँ, और निम्मू अभी तक सोई है, अपने आप का बाल खींच रहा, उठ जा तेरे डेले नहीं खोल दे सोने वाली। शुक्र है खुदा का कि चलो आग तो जल गई। रुशा ने मुझे छोटे छोटे ये पीस ला के दिए हैं, इसको रखा है साथ और आग लग गई और सारा मसाला एक साथ मैं डाल के ले आई हूँ अभी। तो चले जी अभी खाना तो इसी तरह बनता रहे, मुझे आंखों में बड़ा धुआं जा रहा है, बड़ी हालत बुरी हो गई और खाना तो बन ही रहा है क्योंकि जो काम पे गए हैं उन्होंने, उनको तो आके बस यही होता है कि बस खाना मिल जाए, लेकिन घर वालों जो घर पे होते हैं उनको पता होता है कि किस मुश्किल के साथ वो खाना बनाते हैं। तो अरे साथ साथ मशीन का भी वो कर लिया ना, मशीन ना लगाई होती तो चलो खाना ही बना लेती इजीली। तो अभी फिर रोटियाँ रह गई हैं, जैसे ही दाल बन जाएगी फिर रोटियाँ बना लूँगी। अभी भाभी ने भी ऊपर खाना बनाना है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दाग बड़े मेरे मुँह पर बन रहे हैं, खैर सेब में दाग लगे होंगे ना। तो देखे फ्रेंड्स, कपड़े मैंने धो लिए हैं, अभी मैंने सुखा भी दिए हैं, अभी मैं आई हूँ छत पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा छोटा सा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके कोई आंसर मैं आंसर दूंगी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आंसर हो कि जो आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं उनको जवाब दूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो वो सवालों जवाबों पर ही होगी। तो अभी लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए हाफिज़, बाय बाय।